Hello, dear students. Today we will discuss worksheet number five, class tenth. Electronic configuration. As discussed earlier, that electrons revolve around nucleus. You must be thinking, do they revolve randomly or follow any rule? Yes, there are certain rules. Let us know the rules. The orbit or cells in which electron revolves is represented by K, first cell, L, second cell, M, third cell, N. एन फोर सेल ये आप राइट साइड देख सकते हैं बीच में न्यूक्लियस है और के सेल्स के सेल से स्टार्ट है कि एल एम एन ठीक है के पहला एल दूसरा एम तीसरा और एन चौथा सेल है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज गिवन बाय फार्मूला टू एन स्क्वायर का फार्मूला है जिसमें एन जो है वन है के लिए यानी के पहला सेल है तो एन वन है के लिए और टू है एल के लिए टू सेकेंड नंबर का सेल है तो जिस नंबर का भी सेल होगा उस नंबर का एन ले लिया जाएगा ठीक है एन थ्री फोर एन इजिकल टू थ्री फोर एम एंड एन इजिकल टू फोर फोर एन तो के एल एम एन को लिखा जा सकता है वन टू थ्री फोर्थ सेल ऑल्सो तो इस फार्मूला यूज़ करके द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट और के सेल विल बी टू इंटू वन स्क्वायर एन जगह वन आ गया यहाँ पर तो टू आ गया आंसर एल के लिए आ जाएगा टू इंटू टू स्क्वायर क्योंकि एल सेकेंड सेल है तो टू स्क्वायर होगा आठ आ गया मैक्सिमम इसमें आठ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं थर्ड में एम सेल में आ जाएगा टू इंटू थ्री स्क्वायर ठीक है एन की जगह थर्ड लिख दिया हमने थ्री लिख दिया क्योंकि एम थर्ड सेल है तो थ्री इंटू थ्री नाइन इंटू टू एटीन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ एन सेल विल बी टू इंटू फोर स्क्वायर इजिकल टू थर्टी टू तो ये एन स्क्वायर वाला टू एन स्क्वायर वाला फार्मूला सभी सेलों के लिए यूज़ होगा बस एन की जगह हम उस सेल का नंबर लिख देंगे आउटर मोस्ट सेल कैन हैव मैक्सिमम एट इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देख लेते हैं कुछ ट्वेंटी एलिमेंट्स का देखो हाइड्रोजन का एच है तो टोटल तो नंबर इलेक्ट्रॉन एक होता तो के सेल में एक ही है ऐसे हीलियम के दो हैं तो के सेल में दो होंगे लिथियम के तीन है तो के सेल में दो और एक एल सेल में ठीक है ना तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं सबके कॉन्फ़िगरेशन देखो लास्ट वाला बताता हूँ मैं जैसे कैल्शियम का बीस है तो दो आठ आठ दो इस तरह से होंगे ये जो हमने नंबर बताए थे मैक्सिमम बताए थे कि थर्ड सेल में मैक्सिमम अठारह आ सकते हैं लेकिन जो है कम भी रह सकते हैं आप जिसके पास कम है इलेक्ट्रॉन तो उसके सेल्स में कम ही होंगे इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ये आप देख सकते हैं इसमें कन्फिग्रेशन पूछा जा सकता है राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेट इन के एल एम एंड एन सेल तो ये जो फार्मूला का यूज करके अभी मैंने बताया था टू एन स्क्वायर फार्मूला होगा के के लिए टू इंटू वन स्क्वायर हो गया एल के लिए टू इंटू टू स्क्वायर हो गया और एम के लिए टू इंटू थ्री स्क्वायर हो गया एन के लिए टू इंटू फोर स्क्वायर हो गया ठीक है एन चेंज होता रहेगा फार्मूला वही रहेगा तो के में दो एल में आठ एम में अठारह और एन में थर्टी टू इलेक्ट्रॉन्स आ गए क्वेश्चन टू है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल इज गिवन बाई फॉर्मूला टू एन स्क्वायर फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल एंड एम शेल सेम है उसी तरीके से हमने दोबारा लिख दिया एल और एम में ठीक है क्योंकि एल का नंबर दूसरा होता है एम का तीसरा होता है तो फार्मूला वही लग गया टू इंटू टू स्क्वायर इजिकल टू आठ टू इंटू थ्री स्क्वाजिकल टू एटीन क्वेश्चन नंबर थ्री राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ट्वेल्व तो टू एट टू एम तक आएगा सोडियम इलेवन होता है तो टू एट वन पहले में टू दूसरे में एट या ज़्यादा होंगे तो पहले इतना कर लेंगे कि टू कर लिया फिर एट कर लिया जो बचेंगे बाहर में कर लिया अब जैसे क्लोरीन में सत्रह थे दो आठ दस हो गए सात सत्रह एलमोनियम में तेरह हैं तो दो आठ तीन कार्बन में छः हैं तो पहले वाले में दो और एल वाले में फोर आ गए ठीक है जब यहाँ पर आठ हो जाएंगे सेकंड वाले में तब तो आगे हम बढ़ेंगे ऑक्सीजन में आठ है तो दो और छः तक हो गए के और एल तक